नमस्कार दोस्तों, होल इन दी टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड से पैसे कैसे निकालें। अगर दोस्तों आप आधार कार्ड से पैसे निकालने का अगर यहाँ पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी कस्टमर का अगर यहाँ से आधार कार्ड से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर कितना खर्चा टोटल आने वाला है। दोस्तों हम यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट कट तरीके से यहाँ पर बात करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दूंगा कि आपको किस एप्लीकेशन के जरिए यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड से पैसा निकालना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ से आधार कार्ड से पैसा निकालने का अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से आधार कार्ड से पैसे निकालने वाली अगर आईडी अगर लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ओनली आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों आपको यहाँ पर जो आधार कार्ड से पैसे निकालने वाली आईडी वो आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप ना करना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये डिवाइस आपके पास होना ज़रूरी है। दोस्तों ये जो डिवाइस है, अगर आप किसी भी कस्टमर का यहाँ से पैसा निकालेंगे तो आपको फिंगर के जरिए आप यहाँ से कस्टमर का पैसा निकाल पाएंगे। तो ये डिवाइस आपको कहाँ से मिलेगी? तो दोस्तों इस डिवाइस का भाई आपको लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक से इस डिवाइस को अगर बाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही किफ़ायती रेट पर ये डिवाइस मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने इसका बाई नाउ लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों एक यहाँ पर इसकी आएगी OTG की, यहाँ पे जो ये OTG है दोस्तों, ये OTG आपको बिल्कुल यहाँ पर मिलेगी दोस्तों 100 से 150 रुपये के बीच में मिलेगी। तो इसका भी लिंक मैंने बाई नाउ का हमारे वीडियो के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पर विजिट करके इन दोनों चीज़ों को यहाँ से बाई कर सकते हो। बाई करने के बाद में मैं आपको बता दूँ कि आपको किस एप्लीकेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आधार कार्ड से पैसे निकालने की। तो दोस्तों आपको यहाँ से प्ले स्टोर से यहाँ से एप्लीकेशन में आपको बता दूं कि स्पाइस मनी, दोस्तों स्पाइस मनी जो ये एप्लीकेशन है इसके जरिए आप किसी भी कस्टमर का यहाँ से पैसा निकाल पाओगे आधार कार्ड के जरिए। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन के जरिए कौन कौन से वर्क यहाँ पर कर सकते हैं मैं आपको बता दूं इस एप्लीकेशन को ओपन करके कि आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में कौन कौन से वर्क यहाँ पर करने के लिए दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर मेरा यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ इसमें पासवर्ड डालकर। तो मैंने इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मेरा सामने इसका कुछ इंटरफेस ऐसा दिखाई देता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ से बता दूँ, आप किसी भी कस्टमर का यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, उसका मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, और आप यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, आप यहाँ से पैन कार्ड बना सकते हो, लोन रीपेमेंट कर सकते हो, गैस बुकिंग कर सकते हो, यानी आप यहाँ से प्लेन टिकट बुक कर सकते हो। यानी आपको काफ़ी सारी इस एप्लीकेशन के अंदर सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आपको कस्टमर का आधार कार्ड से पैसा कैसे निकालना है और वो पैसा आपको निकालने के बाद में कस्टमर को कैसे देना है और आपके अकाउंट में आपको कैसे लेना है। मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपसे बैलेंस इंक्वायरी, अगर आप कस्टमर की बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आपकी जो भी डिवाइस होगी यहाँ पर, अगर मोर को होगी तो मोर को सिलेक्ट करना है, मंत्रा होगी तो मंत्रा सिलेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताई थी मेरे पास यहाँ पर मोर को है। अगर आप भी मोर को बाई करना चाहते हैं तो हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाई नाउ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो। अब दोस्तों हम यहाँ पर OTG केबल को लगाएंगे। OTG केबल लगाने के बाद में हमारी यहाँ पर लाइट मशीन की जल जाएगी। तो मोरपो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कस्टमर का मैं आधार नंबर यहाँ पर फिल करूँगा। फाइनली दोस्तों मैंने कस्टमर का आधार यहाँ पर नंबर डाल लिया। उसके बाद में आपको कस्टमर का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। अब आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको कस्टमर की बैंक सेलेक्ट करना है। जो भी यहाँ पर कस्टमर की बैंक होगी आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ पर कस्टमर की बैंक को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके यहाँ पर स्कैन फिंगर पर मैं क्लिक कर दूंगा।
अब जैसे मैं स्कैन फिंगर पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर कस्टमर का यहाँ पर फिंगर लगवा लूंगा। लगवाने के बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड ले लिया जाएगा। लेने के बाद में यहाँ पर कस्टमर का बैलेंस यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट में 114 रुपये हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक आ जाना है। बैंक आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर अगर कस्टमर का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एपीएस विड्रॉल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एपीएस विड्रॉल पर करोगे तो आपको यहाँ पर कस्टमर का बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद में आपको, मैंने यहाँ पर कस्टमर का बैंक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं कस्टमर का आधार नंबर डाल दूंगा। तो मैंने फाइनली यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डाल लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूंगा और कस्टमर के मोबाइल नंबर डालकर मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा और यहाँ पर मैं 100 रुपये की राशि यहाँ पर भर लूंगा। दोस्तों मैंने 100 रुपये की राशि यहाँ पर भरकर आपको यहाँ पर वीडियो में बताने के लिए भरी है। और मैं स्कैन फिंगर पर क्लिक करूंगा। स्कैन फिंगर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कस्टमर का आप फिंगर यहाँ पर लगवा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर फाइनली फिंगर लगा लिया। फिंगर लगाने के बाद में यहाँ पर मेरे अकाउंट से 100 रुपये यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर 100 रुपये डिडक्ट होने के बाद में आपको कस्टमर का यहाँ पर बैलेंस दिखाई देगा। यहाँ पर आप कस्टमर को बैलेंस बता सकते हो कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है पैसे निकालने के बाद में। अब आपको यहाँ पर बैंक आना है। बैंक आने के बाद में आपको यहाँ पर अब इस पैसे को आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, जो आपने यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट से निकालने के बाद में आपने कस्टमर को कैश यहाँ पर दे दिए होंगे। अब आप इन पैसों को कैसे अपने बैंक में विड्रॉल करोगे, तो आपको यहाँ पर आपको वॉलेट पर क्लिक करना है। जैसे आप वॉलेट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मूव टू बैंक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब मूव टू बैंक में आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर दिखाई देगा। जो भी आप यहाँ पर बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करते हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पर आपको अमाउंट भर कर आपको यहाँ पर नेफ्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। अब जैसे आप ट्रांसफर पर क्लिक करोगे विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर पैसा तुरंत अगर अकाउंट में लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ट्रांस मोड यहाँ पर चेंज करना होगा और IMPS पर आपको क्लिक करना होगा, ट्रांसफर कर देना है। तो इससे आपका पैसा यहाँ पर विद इन 5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर बता दी कि आप कस्टमर का यहाँ पर कैसे पैसा निकाल सकते हो आधार कार्ड के जरिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई कि आप यहाँ पर आधार कार्ड से पैसे निकालने वाला बिजनेस यहाँ पर शुरू कर सकते हो और महीने के यहाँ पर 20 से 25 हज़ार रुपये आसानी से यहाँ पर कमा सकते हो। अगर फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है अगर इस वीडियो के जरिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आपका सवाल पूछिएगा, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। और दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ यहाँ पर नया बिजनेस चालू कर सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।